वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। श्रीलंका में हो गया बवाल। जी हां, गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर फरार। अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, घरों से सड़कों तक जनता नजर आ रही है और आगजनी ही आगजनी है। आपातकाल लग गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर मालदीव पहुंचने की खबर है और खबरें लगातार सुर्खियां बनती जा रही हैं, जिसके बाद से हंगामा और ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपातकाल की घोषणा वहां पर कर दी गई है। राजपक्षे देश की अर्थव्यवस्था को ना संभाल पाने के चलते अपने और अपने परिवार के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश के बीच में देश छोड़कर चले गए हैं, जिसके बाद श्रीलंका में उग्र भीड़ ने जमकर विरोध किया और इस दौरान भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद इमरजेंसी वहां पर दी गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। श्रीलंका इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका में कगाली जैसी स्थिति है। इसकी वजह है वहां के लोग सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं और सड़क पर उतरे लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई है। उग्र भीड़ ने पीएम आवास का घेराव किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी भारी संख्या में सड़कों पर उतरे, जिसके बाद श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग चुके हैं। श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है। राष्ट्रपति के भागने के बाद ये फैसला किया गया है। देश में आपातकाल लगाने का फैसला श्रीलंका के प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया है। इसकी जानकारी पीएम कार्यालय की तरफ से दी गई है। राष्ट्रपति के बिना इस्तीफे दिए भागने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग पीएम आवास और पीएम के कार्यालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। पीएम कार्यालय और पीएम आवास पर हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीलंका की सेना हालात पर नजर बनाए हुए है। देश की अर्थव्यवस्था को ना संभाल पाने के कारण बढ़ते जन आक्रोश के बीच राजपक्षे ने बुधवार को इस्तीफा देने की घोषणा की, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ एक विमान से मालदीव भाग गए। राजधानी कोलंबो में इस समय अफरा तफरी का माहौल है और ऐसे में वहाँ इमरजेंसी लागू कर दी गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब श्रीलंका में आपातकाल की स्थिति बनी है। श्रीलंका में आपातकाल का बड़ा और लंबा इतिहास रहा है। पहली बार 1958 में लगा आपातकाल। श्रीलंका में इमरजेंसी के हालात बनते रहे हैं। कई बार वहां इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। ब्रिटिश शासन से 1948 में यह देश आजाद हुआ और उसके बाद के 74 सालों में श्रीलंका ने एक लंबा वक्त इमरजेंसी को झेलते हुए बिताया है। सबसे पहले साल 1958 में वहां आपातकाल लगाया गया था। सिहली को ओनली लैंग्वेज पॉलिसी के तौर पर अपनाया गया था, इसी वजह से वहां इमरजेंसी लगाई गई थी। बता दें कि श्रीलंका में लंबे समय तक सिहली साम्राज्य का वर्चस्व रहा है। सिहली साम्राज्य के शासनकाल में पुर्तगालियों को भी किनारे होना पड़ा था। 14वीं सदी में सिहली शासनकाल में देश की राजधानी कोलंबो नहीं बल्कि श्री जयवर्धनापुरा कोटाय शहर था। 16वीं सदी में जब पुर्तगाली आए तो सिहली साम्राज्य उनका विरोध करते रहे और आक्रमण भी। पुर्तगाली अपना व्यापार और साम्राज्य नहीं बढ़ा पा रहे थे तो उन्होंने राजधानी ही बदल डाली और कोलंबो शिफ्ट कर लिया। उनकी एक अलग कहानी है। खैर, 1958 के बाद 1971 में लेफ्ट विंग जनता विमुक्ति पेरामुना के विरोध के कारण एक बार फिर इमरजेंसी लगाई गई थी। 27 साल तक लगातार रही इमरजेंसी। श्रीलंका में एक समय ऐसा आया जब सबसे लंबी अवधि के लिए इमरजेंसी रही। इमरजेंसी की शुरुआत का साल था 1983 और इमरजेंसी की वजह लिट्टे का आंदोलन। ये इमरजेंसी 27 सालों तक लगी रही और 2011 में इसे हटाया गया। लिट्टे यानी तमिल समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलन, जिन्हें तमिल टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये संगठन श्रीलंका में अलग राज्य की मांग पर अड़ा था और इनके आंदोलन की वजह से देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई थी।
इस कारण 1983 से 2011 तक देश में इमरजेंसी लागू रही। चार दशक तक झेला आपातकाल। 2018 में भी तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने मार्च में देश के कुछ हिस्सों में मुस्लिम विरोधी हिंसा को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा की थी। हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि आगजनी के कारण संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था। मोटा माटी देखा जाए तो श्रीलंका ने करीब चार दशक की अवधि तक आपातकाल झेला है। श्रीलंका में आपातकाल के नियम। इमरजेंसी यानी आपातकाल का सीधा मतलब है संकट या विपत्ति का समय। कई देशों के संविधान में आपातकाल को लेकर प्रावधान होते हैं जिनका इस्तेमाल संकट की स्थिति में किया जा सकता है। संकट की स्थिति से मतलब है जब देश पर किसी आंतरिक या बाहरी रूप से खतरे की आशंका हो या फिर देश में आर्थिक रूप से बड़ा संकट आन पड़ा हो। आपातकाल की स्थिति घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में निहित है, जो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत सरकार के मुखिया होते हैं। श्रीलंका में कंगाली के हालात हैं और राष्ट्रपति के देश छोड़ने के बाद तो श्रीलंका में बवाल मचा हुआ है। यहाँ हालात ये हैं कि अब लोग प्रधानमंत्री से भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका में जारी इस जन विरोध के बीच अमेरिकी दूतावास को भी दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, तो वहीं टीवी प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है। यहाँ हाल दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। राजकुमार चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, श्रीलंका में इस समय जैसे हालात हो चुके हैं, पूरी तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, क्योंकि संसद भवन से लेकर सड़कों तक एक जैसे हालात हैं। देखिए काजल, कहीं ना कहीं हमें पहले श्रीलंका के हालातों को समझना होगा और श्रीलंका में इस तरीके के हालात ये पहली बार नहीं हुए हैं। अगर 1993 की बात की जाए तो वहाँ के राष्ट्रपति प्रेमदासा जी ने गोली मार दी गई थी और उस समय भी हालात बहुत बद से बदतर हुए थे, लेकिन जिस तरीके के हालात और परिस्थितियाँ इस समय हुए हैं और राष्ट्रपति जो गोटबाया हैं वो कहीं ना कहीं छोड़ के चले गए हैं देश को, उसकी एक जो बड़ी वजह है, उसकी एक मूल वजह को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। इसकी एक वजह कहीं ना कहीं परिवारवाद भी, क्योंकि वित्त मंत्री तो उनका होगा, गृह मंत्री तो उनका होगा, और कहीं ना कहीं जब परिवारवाद में जब चीज़ें निपट जाती हैं किसी भी परिवार का, अगर एक व्यक्ति कोई राजनीति करता है, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट के देखें तो उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है। भ्रष्टाचार इस चरम पर वहाँ पहुँच गया कि अलग अलग सत्ता केंद्र, सत्ता के कई केंद्र हो गए और राष्ट्रपति जिस तरीके से आधी रात को देश छोड़ के गए हैं, निश्चित तौर पर ये किसी भी दृष्टि से इसको ठीक नहीं माना जाता। क्या मुँह दिखाएंगे उस देश को, जिस देश की जनता ने उन्हें चुनके प्रथम नागरिक बनाया, पूरा सम्मान दिया, कोई भी, क्योंकि किसी भी देश की अगर श्रीलंका की बात करें तो हिंद महासागर का एक ऐसा देश, एक ऐसा बेहतरीन देश जो पर्यटन, अगर राम सेतु, हमारा हिंदुस्तान की तो बड़ी भावनात्मक लगाव कहीं ना कहीं श्रीलंका से है, क्योंकि भगवान राम, और देखिए एक विडंबना की बात है, अगर इस समय इसका भी कोट किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस समय राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और श्रीलंका में इस समय क्या हालात हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण पर कोई राजनीतिक पंडित हैं इसको उस दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि सरकारी जो उनका जो टीवी है, जो टीवी का जो ऑफिस है उसके अंदर कब्जा हो गया, तमाम तरह के, मतलब कुल मिला के अब जो हालात और परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों से किस तरीके से जूझा जाए, किस तरीके से उनसे आगे निकला जाए, लेकिन जनता जनार्दन होती है किसी भी देश की और जनता किसी भी चीज़ को सुनने के लिए इस समय तैयार नहीं है, लेकिन जिस समय का अब टकराव की स्थिति, लेकिन अभी तक के हालात जो परिस्थितियां हैं उसमें एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि अभी तक जनता सड़कों पर है, अगर ये जनता उग्र हो गई तो काजल कितना जान माल का नुकसान होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। राजकुमार, इस तरीके से भी समझा जा सकता है क्योंकि वहाँ की सरकार जो है, सरकार को समझने के लिए बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि एक परिवार की सरकार, एक तरीके से कहा जाए तो पूरे देश पर परिवार का कब्जा, और इसको घर की सरकार भी कहा जाएगा, जिस तरीके से उन लोगों ने लिया है उसी तरीके से छीन भी रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक। देखिए अगर राष्ट्रपति कोई होता है तो राष्ट्रपति एक संरक्षक और एक पिता की भूमिका में
होता है, और जब वो अपने परिवार को ही नहीं संभाल के पाए तो, लेकिन उनके परिवार के जो लोग हैं आज, वो जो कभी मंत्री हुआ करते थे आज वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए छिपते हुए घूम रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए, जनता उन्हें ढूंढ रही है। लेकिन क्योंकि अगर देश को भी अगर उन्होंने छोड़ा था, एक टेक्निकल चीज देखिए, अगर देश को छोड़ना था तो राष्ट्रपति रहते हुए वो अब कहाँ हैं, किन हालातों में हैं, किन परिस्थितियों में हैं, किस देश में हैं, ये कयास हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी कहीं भी आधिकारिक पुष्टि किसी भी देश की तरफ से नहीं हुई है। लेकिन वो कहाँ गए हैं, किस तरीके से गए हैं, जो वो सिस्टम था, जो राष्ट्रपति भवन के जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने क्या व्यवस्था की। दोपहर को एक रूमर कहीं ना कहीं एक चली, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ भी बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध देश के रहे हैं, और कहीं अगर इस तरीके की स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो स्वाभाविक तौर पर उंगलियाँ उठती हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्वीट हुआ और उच्चायोग ने अपना ट्वीट करके अपना अपनी तरफ से स्पष्ट किया कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं जनता के साथ खड़ा है, नेतृत्व जो है, अगर वो नेतृत्व कहीं किसी को छोड़ के चला गया है तो वो एक उनकी इंटरनल अपनी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन हिंदुस्तान का बिल्कुल इसमें स्पष्ट तरीके से, क्योंकि जनता जनार्दन है और हालात और परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसे नहीं रहते, आज हालात बेकाबू हैं, कल निश्चित तौर पर काबू में भी होंगे। और 20 तारीख को वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव की जो सुखबुगाहट है वो शुरू हो गई है, किस तरीके से कौन आगे आता है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए जनता तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस गए हैं, राष्ट्रपति के जहाँ पर जाने की अनुमति नहीं थी आम आदमी को, वहाँ पर वो बैठ के वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और सेना भी, क्योंकि एक सोचने वाली बात है कि सेना कब तक उनसे लड़ सकती है, कब तक अपने लोगों पर गोली चला सकती है, कब तक अपने लोगों पर हमले कर सकती है, तो सेना के अधिकारी भी जो है इस समय कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ही प्रयास ये चल रहे हैं किसी तरीके से एक डर, एक भय दिखाकर किसी तरीके से श्रीलंका को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रीलंका में जैसे हालात हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है वहां के हालातों को देखते हुए, क्योंकि पूरी तरीके से वहां पर जनता का कब्जा है, सड़क से लेकर संसद तक। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।